Hello students, I hope you are doing great with the time that is provided by this lockdown. Okay, and you are just doing best with the things that you have. Now, the word is right as I have promised. The word is right. Okay, now, मैंने बताया हुआ था कि मैं right से related जितने भी prepositions बन सकते हैं, phrasal verb बन सकते हैं, we will talk about them. Okay, so let's continue the word right. Now, the right comes with these types of prepositions. इतने सारे prepositions right के साथ लगते हैं. अब exam में दिक्कत ये बन जाती है that how to prepare, where to put which preposition. Okay, that is one of the big problem in front of me that we confront. Now, the first is right to. How we use right to? If you are using right with a to, इसका मतलब क्या होता है? Right to होता है somebody के लिए. जब हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम right के साथ to का use करते हैं. ठीक है? उसके बाद right के साथ with का use कब करते हैं? Right के साथ with का use तब हम करेंगे जब उसके बाद adjective आ जाए या article आ जाए और उसके बाद name of writing instrument आ जाए. अब हमें समझना होगा कि ये name of writing instrument क्या है. Name of writing instrument का मतलब है लिखने का साधन. जैसे ये pen, ये marker, ठीक है, कोई भी pen, sorry, pencil, whatever, जो भी चीज है वो लिखने का साधन है, that is called name of writing instrument. इसमें आपका pen भी आ सकता है, ठीक है ना, marker भी आ सकता है, ठीक है ना, and pencil also, कुछ भी जिस चीज से हम लिख सकते हैं, that is called the name of writing instrument. ठीक है, उसके बाद इन का यूज कब करते हैं? राइट के बाद इन का यूज तब हम करेंगे जब सिर्फ नेम ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाए. ध्यान समझिएगा, विद का यूज तब करेंगे जब उसके बाद एडजेक्टिव आए और उसके बाद नेम ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट आए. इन का यूज तब करेंगे जब उसके बाद सिर्फ नेम ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाए, यानी कि लिखने के साधन की बात आ जाए और हमारा आर्टिकल या एडजेक्टिव ना आए. बी रिमेम्बर, बाई का यूज कब करते हैं? देखिए सिंपल सा है, बाई हम लोग पैसिव वॉइस में यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म के साथ. ठीक है, तो इसलिए जब राइट के साथ हम बाई यूज करेंगे तो हम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे उसका. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अप. राइट अप का मतलब होता है जो कोई भी चीज आप न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं. सपोज आप अपना एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपवाना चाहते हैं, उसके लिए आप राइट अप करेंगे. तो राइट अप किसके लिए? न्यूज़पेपर में लिखवाने के लिए. नेक्स्ट राइट आउट. राइट आउट, आउट का मतलब क्या हो रहा है? आउट का मतलब हो रहा है कहीं बाहर निकल रहा है. आउट का मतलब क्या होता है? बाहर. कहने का मतलब है जब आप चीजों को बहुत डिटेल में जानते हैं, बहुत डिटेल में लिखते हैं, तब हम राइट के साथ आउट का इस्तेमाल करते हैं. तो राइट आउट का मतलब होता है विस्तार से लिखना, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस लिखना. ठीक है ना, डिटेल्स, डिटेल्स को मेंशन करना. राइट आउट में डिटेल्स को आप मेंशन करोगे. फिर राइट डाउन. राइट डाउन का मतलब होता है नोट डाउन. जैसे आप ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, यू शुड नोट डाउन इट इन योर कॉपी. मीन्स यू शुड राइट डाउन इट इन योर कॉपीज. ओके, सो फ्रेंड्स कंटिन्यू विद द एग्जांपल गिवन बिलो. जस्ट हैव अ लुक. पहला सेंटेंस लिखा हुआ है प्लीज राइट डैश हिम अबाउट द सिचुएशन. यानी कि उसको सिचुएशन के बारे में बताओ, सिचुएशन के बारे में इत्तला कर दो कि सिचुएशन कितनी खराब चल रही है. सपोज आपका कोई मित्र, आपका कोई फ्रेंड कहीं में फंसा हुआ है, तो आप उसको बताओगे सिचुएशन यहां पर कितनी खराब चल रही है. ठीक है, तो प्लीज राइट. अब राइट के बाद क्या आ गया? राइट के बाद हमें लिखना है उसको सिचुएशन के बारे में बताना है. और राइट के बाद क्या आ गया? हिम आ गया. और हिम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है. यानी कि देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है समथिंग, समथिंग, और ये लिखा हुआ है समबडी. ओके, नाउ समथिंग को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग एस टी एच, और समबडी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एस बी. ये मैंने लिखा हुआ है यहां पर एस बी. ठीक है, समबडी का मतलब किसी व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि एक किसी पर्सन की बात हो रही है, मेल फीमेल जो भी है. ठीक है, एक्सवाइजेड. प्लीज राइट हिम. देखिए यहां पर क्या आ गया? राइट के बाद हिम आ गया, यानी कि किसी एक पर्सन का नाम आ गया. मैंने बताया कि राइट के बाद अगर समबडी आ जाए, यानी किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, तो हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं. तो पहला हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्लीज राइट टू हिम. उसको बताओ किसके बारे में? सिचुएशन के बारे में. हाउ डिवास्टेटिंग द सिचुएशन इज हियर इन उन्नाव. नाउ स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड, यानी कि स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए. इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हिदायत दी गई, उनको बताया गया. क्या बताया गया? द स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू राइट डैश पेंसिल. देखिए कई बार एग्जाम्स में होते हैं, तो एग्जाम में हम लोग को बोलते हैं कि आप पेन यूज मत करिए, आप पेंसिल से सर्कल भरिए, गोला भरिए. ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे? देखिए यहां पर मैंने बताया क्या, अगर राइट के बाद, समझिएगा ध्यान से, राइट के बाद सिर्फ आपका क्या आ जाए?
राइट के बाद नेम ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाए, यानी कि लिखने का साधन। भाई ये पेंसिल क्या है? मैंने बताया नेम ऑफ राइटिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, पेन, पेंसिल, मार्कर, कुछ भी। तो ये जो पेंसिल है ये नेम ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, नेम ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि लिखने का एक साधन है। और इस पेंसिल के पहले क्या कोई एडजेक्टिव या आर्टिकल आया हुआ है? ध्यान से देखिए, कोई नहीं आया हुआ है। तो मैंने बताया जब नेम ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के आगे कोई भी एडजेक्टिव या आर्टिकल नहीं आएगा तब हम इनका यूज करेंगे, और अगर नेम ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के पहले एडजेक्टिव या आर्टिकल आ गया तो हम विद का यूज करेंगे। पर यहां पे तो एडजेक्टिव या आर्टिकल नहीं आया है इसलिए यहां पर इनका यूज करेंगे। समझ गए होंगे आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू राइट डैश HB पेंसिल। देखिए पेंसिल बहुत तरह की आती है, अप्सरा की आती है, एक आती है HB की आती पेंसिल, या नटराज की पेंसिल, कोई भी पेंसिल। कहने का मतलब है पेंसिल तो पेंसिल हो गई, तो पेंसिल हो गया हमारा नाउन, पेंसिल क्या हो गया नाउन। लेकिन पेंसिल की विशेषता क्या है कि वह HB की पेंसिल है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमारे पास नेम ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट आ गया, उसके पहले क्या आ गया एडजेक्टिव आ गया, नेम ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट और एडजेक्टिव आ गया, नेम ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तो हम किसका यूज करेंगे विद का यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू राइट विद HB पेंसिल। इसी सेंटेंस को मैं और मॉडिफाइड कर दूं, द स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू राइट विद अ पेन, ठीक, या विद ब्लैक पेन, ठीक, ब्लू पेन, ये देखिए बॉल पॉइंट पेन, बात समझिएगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, द स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू राइट, देखिए राइट के बाद मैंने क्या किया, ये जो है ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे नेम ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट आ गए, लेकिन इन नेम ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के पहले ये और ये जो है ये हमारे एडजेक्टिव है। ये क्या है एडजेक्टिव, भाई पेन है अ पेन, आर्टिकल लग गया, आर्टिकल आ गया, पेन है पर कैसा पेन है ब्लैक पेन है, यानी कि ये ब्लैक इसकी विशेषता बता रहा है पेन की, तो ये क्या है ये हमारी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहां पर ब्लैक, ये ब्लू एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। पेन था पर कौन सा पेन है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ये बॉल पॉइंट पेन है, तो बॉल पॉइंट जो है वो एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है यहां पर पेन के लिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, गोलू इज राइटिंग डैश अ पेन, तो गोलू पेन से लिख रहा है, ठीक है, तो पेन यहां पर हो गया नेम ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन नेम ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के पहले लग गया है आर्टिकल, नेम ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल, तो यहां पर क्या बन जाएगा सर, यहां पर विद का यूज हम लोग करेंगे, इसका यूज करेंगे विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अ लेटर इज रिटन डैश मी, देखिए जो लेटर है वो लिखा गया है किसके द्वारा, बाई मी हो जाएगा, मैंने बताया था पैसिव वॉइस में हमेशा बाई का यूज करेंगे। अच्छा हम एक बात कर सकते हैं यहां पर, किसी कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, हम ये कैसे पहचानेंगे, बाई से तो पहचान गए। सिंपली अगर हमें पहचानना है इफ अ सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, वेदर इट इज इन एक्टिव वॉइस और वेदर और इट इज इन पैसिव वॉइस, हम क्या करना है, हमें देखना है सेंटेंस का सब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां पर क्या है, अ लेटर, ठीक है, हमें देखना है ये सब्जेक्ट है ये डूअर है या नहीं है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही डूअर हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस, और अगर सेंटेंस डूअर नहीं है तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। देखते हैं, देखिए लेटर जो है वो सब्जेक्ट तो है लेकिन लेटर जो है वो डूअर नहीं है। डूअर का मतलब क्या होता है, डूअर का मतलब काम करने वाला, यानी कि कर्ता, जो काम कर रहा है। देखिए जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट डूअर हो, अगर सब्जेक्ट डूअर होता है तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाएगा। जैसे सेंटेंस में जो लेटर है वो सब्जेक्ट तो है पर डूअर नहीं है, क्यों, क्योंकि जो लिखने का काम है वो लेटर थोड़ी ना कर रहा है, लिखने का काम तो मी कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये जो सेंटेंस में लेटर है वो डूअर नहीं है, समझ रहे हैं बात, ये डूअर नहीं है, नॉन डूअर, इसलिए सेंटेंस हमारा ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट, माय ब्रदर इज राइटिंग डैश फॉर न्यूज़पेपर, जो मेरा भाई है वो न्यूज़पेपर के लिए लिखता है। तो मैंने बताया क्या, अप का लगाते हैं, अगर कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर के लिए लिख रहा है तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अप का यूज करेंगे। माय ब्रदर इज राइटिंग अप फॉर द न्यूज़पेपर, और जो न्यूज़पेपर में जिस कॉलम में कोई चीज आर्टिकल निकलता है उसे हम लोग कहते हैं एगोनी आंट, एगोनी आंट, जिस कॉलम में कोई चीज निकलती है, ठीक है, एगोनी आंट, या जो व्यक्ति न्यूज़पेपर के लिए लिखता है उसको, उस व्यक्ति को हम, उस लेडी को हम लोग एगोनी आंट कहते हैं।
द डॉक्टर हैज रिटन डैश अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर मी. प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो डॉक्टर दवा का पर्चा देते हैं ना लिख के कि इसमें ये आपको जरूरत है. तो डॉक्टर हैज रिटन डैश अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर मी. अब देखिए, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा तो उसमें एक दवाई होगी, बहुत सारी दवाइयां होंगी, डिटेल्स में होंगी, अच्छे से बताया होगा ताकि डैमेज समझ जाए. कहने का मतलब है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें डिटेल्स से चीजें होंगी. और मैंने बताया है कि जब हम लोग डिटेल्स में चीजें लिखते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, आउट का यूज करते हैं, ठीक है ना. तो यहां पर क्या हो जाएगा, द डॉक्टर हैज रिटन आउट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर मी, यानी कि मेरे लिए डॉक्टर ने क्या कर लिया, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. अब उसके बाद डाउन, नाउ यू विल राइट डाउन, you will note down all these things, all these important notes in your copy. So write down ka example ho gaya hamara. Write down ka matlab to note down. You will write down these examples in your notebook. Thank you friends. This is about the write. Now we'll come with the next word. Jai Hind.